ठीक है चौहान जी, साध्वी की तामा तीर जी, नहीं नहीं प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने है और उसी बीच ओवैसी का इस तरीके से बयान, और उसके बाद ना कोई मुस्लिम धर्मगुरु बात करने को तैयार, साजिद रशीदी भी अब नहीं आ रहे हैं, उन्होंने फोन नहीं उठाया है, शायद मुद्दा उनको समझ आ गया हो कि इस पर क्या बोलेंगे, और AIMIM तो बोल नहीं रहा, देश में मुसलमान इतना डरा हुआ है कि वो बोल भी नहीं सकता। नहीं, मुसलमान तो डरने वाली चीजें नहीं है, ये तो डरते ही नहीं है, और इनको बस खाली जो पढ़ा रहे हैं लोग ना, ये गलत कर रहे हैं। वास्तव में अगर सही बात है कि इनको संसद से बहिष्कृत क्यों नहीं किया जाता, इतनी अलीजोली बातें ये करते हैं, इनको संसद से निकाला क्यों नहीं जाता, मेरा भी सवाल था। और दूसरी बात ये है कि जब ये पाकिस्तान की मांग करेंगे तब इनको हटाया जाएगा क्या? ये क्या है भारत के कि इस तरह से नाना प्रकार की बेतुकी बातें करते हैं? अरे हम दुनिया भर का मस्जिद नहीं ले रहे हैं, हम जहां हमारा धर्म मंदिर है हम वहां का ले रहे हैं, और वहां का हम लेंगे, और ये जिस तरह से चढ़ा रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, अगर वहां इतनी जनता अयोध्या में जुट रही है, अगर ये 4 दंगा करा देंगे तो क्या रहेगा? इस समय तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए। आपको लगता है ना ये बयान इतना भड़काने वाला ये जो आया उनका, जो आपने सुना शुरुआत में? बिल्कुल बिल्कुल, जो ये भड़काए हैं नौजवानों को, अगर वहां नौजवान 10 भी पहुंचे तो वहां क्या स्थिति होगी, उसको ये सोच करके इनकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। इनका भाई औरंगजेब के मजार पर माला फूल चढ़ाने जाता है, फिर भी अभी कुछ भी जनता को नहीं बोल रही है, लेकिन कम से कम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासन में लोग हैं जो भाजपा वाले हैं, इनको विरोध तो करना ही चाहिए, और इसके पहले इनको गिरफ्तार करना चाहिए। कारण क्या है कि इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, अगर उस भीड़ में 10 नौजवान भी इसके पहुंचे तो क्या होगा, उसकी कल्पना कर लीजिए आप। ये बेतुकी बातें ऐसे बोल करके ये निकल नहीं जा रहे, इनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल पंकज जी, देखिए देखिए रोहित, अब आपने भी सुनाया और भाषण इन्होंने क्या दिया पता है, भारत में कानून है कि अगर आप दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करते, ये तो साफ साफ भड़का रहे हैं ना नौजवानों, अपनी ताकत बरकरार रखो, इससे बड़ा पब्लिक सबूत क्या हो सकता है? और शायद इसी कानून करता है जब मनीष कश्यप को नहीं, वो आएंगे क्या? मुझे तो ये लगता है गृह मंत्रालय को कार्रवाई कर, लेकिन मैं ये भी आपको स्टैम्प पेपर लिख के गारंटी के साथ दे सकता हूं कि ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि पाला गया है। ओवैसी का बयान भड़काऊ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, और पार्टी आपकी कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? क्या इतनी मोहब्बत है ओवैसी ब्रदर से, आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? 100% 1000% इनका बयान भड़काऊ है और राजनीति से प्रेरित है, इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, खुद के धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है, और सिर्फ भड़काऊ बयान है, उसके कारण हमारे को जान माल की हानि हो सकती है, हमारे देश को और किसी भी समुदाय को। दूसरी बात, जो उचित कार्रवाई कानून को करनी चाहिए उसको करनी ही चाहिए, भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है इस टाइप के भड़काऊ बयानों का, और लेकिन जो संविधान के हिसाब से जो कार्रवाई होगी वो उनके ऊपर होनी चाहिए और बिल्कुल तत्काल रूप से होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। साध्वी गीतांबा तीर्थ जी, आपसे भी वही सवाल कि 22 जनवरी चुभ रही है ओवैसी को, इसीलिए अपने नौजवानों को भड़का रहे हैं? बिल्कुल चुभ रही है और इसके ऊपर कार्रवाई करनी ही चाहिए, चाहे जैसे करे, और 22 के पहले अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कुछ भी अनहोनी वो आदमी ऐसे बोल करके करवा सकता है, और बाद में हाथ मल करके माफी मांगने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक निरीह जनता मारी जाएगी जो वहां जाएगी दर्शन करने के लिए, जो वहां जाएगी शामिल होने के लिए, न वहां किसी नेता को कोई दिक्कत होगी, न किसी को, सबके पास सिक्योरिटी रहेगा, एक आप निरीह जनता मारी जाएगी, इसलिए ओवैसी के ऊपर जितनी जल्दी कार्रवाई हो कर देना चाहिए। ठीक है पंकज जी, फाइनल कीजिएगा। स्पष्ट तौर पे रोहित, ये भड़काने वाला बयान है, वो नौजवानों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, ऐसे नेता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन होगी नहीं इस बात का मुझे पूरा यकीन है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही बताता है कि इन लोग बाकी सारे नेताओं के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई कर लें, ओवैसी के खिलाफ कभी कुछ नहीं करेंगे।